से बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। परम पूज्य गुरुदेव जी की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। अपने अपने माता पिता की जय। ध्यान मूलम गुरु मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुर्कृपा साधु विरक्ष सद्ज्ञान फल शीतल सत विचार संत न होते जगत में तो जरी मरता संसार त्रिदिवसीय सत्संग समारोह कबीर ब्रह्मचारिणी आश्रम मुरा के इस पावन प्रांगण में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी यह कार्यक्रम आयोजित है जिसका आज दूसरा दिन की प्रथम सत्र पूज्यपाद गुरुदेव जी प्रयागराज से हमारे पूजनीय संतों के साथ यहाँ आए हैं। हम सबका सौभाग्य और अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से आज नया वर्ष है। आप सबको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबको भी मेरा सादर प्रणाम साहेब बंदगी। हमारे जो साधु संत हैं कबीर पारक सिद्धांत के ऐसे संतों का मिलना बहुत दुर्लभ है। हम लोग पास में रहते हैं, बार बार उनका दर्शन लाभ लेते रहते हैं, तो ऐसा महसूस होता है कि एक साधारण सी बात हम सोचते हैं, साधारण तह लेते हैं, जबकि यदि हम विचार करें हमारे साधु संतों के दिनचर्या, उनकी त्याग, उनके वैराग्य को, तो स्वाभाविक रूप से कुछ अलग ही प्रतीत होता है। दुनिया में आप कहीं भी जाएं और हर जगह हर मत पंथ के साधु संत हैं और सभी संत महात्मा अपने अपने मत पंथ के अनुसार बहुत अच्छे हैं, लेकिन बावजूद आप यदि मूल्यांकन करेंगे तो कबीर पारक सिद्धांत के जो संत हैं निर्वाणी होते हैं, आचरणशील होते हैं,
और ऐसे मार्ग बताने वाला आपको बहुत कम मिलेगा। हम सबका सौभाग्य है कि हमने अपने प्रारब्ध से ही ऐसे संत महापुरुषों का दर्शन लाभ पाया, उनका मार्गदर्शन पाया। इसीलिए एक भजनकार कहते हैं कि गुरु ज्ञान पाले बंदे मिटाले अंधेरा, ना कुछ है तेरा बंदे ना कुछ है मेरा। अभी हमारे परम पूज्य संत श्री सत्येंद्र साहेब जी जीवन की नश्वरता के संबंध में कितना सुंदर सुंदर उदाहरण दे करके हमको बता रहे थे। आइए ऐसे ही गुरुजनों की अमृत वाणी भजन के माध्यम से आप सबके बीच प्रस्तुत करते हैं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की जय। गुरु ज्ञान पाले बंदे मिटाले अंधेरा, ना कुछ है तेरा बंदे ना कुछ है मेरा। गुरु ज्ञान पाले बंदे गुरु ज्ञान पाले बंदे मिटाले अंधेरा, ना कुछ है तेरा बंदे ना कुछ है मेरा। गुरु ज्ञान पाले बंदे मिटाले अंधेरा, ना कुछ है तेरा बंदे ना कुछ है। हमारे गुरुजनों के अलावा हमारी दुख भरे कहानी को कोई सुनने को तैयार नहीं है। यही सतगुरुजन हमें दुख से छूटने का उपाय बताते हैं। यदि असली कोई सुनने वाला है, हमें इस दुख से छुड़ाने वाला है, तो हमारे इस सतगुरुजन है। लेकिन आज हम लोग धर्म के पुजारी होकर भी अधर्म के रास्ता में चलने को तैयार है। बड़े बड़े धार्मिक देखने को मिलता है, लेकिन उनका यदि पहचान करना है तो आप शाम के समय उनसे मिलो। बातें तो बहुत अच्छा अच्छा करते हैं। रामायण के बड़े बड़े टीकाकार, व्याख्याकार, पंडित, ज्ञानी, लेकिन शाम जैसे ही होता है सब लोग मदिरा पान करते वाले हो गए। आज गांव गांव की स्थिति बिगड़ गई है, और इन सब चीजों से यदि कोई बचा सकता है तो ये हमारे निर्मल पवित्र साधु संत हैं, जो हमारे सामने हम लोग आज दर्शन कर पा रहे हैं। गुरु के भजन बिन तेरी सुनी जिंदगानी, सुनेगा ना कोई तेरे दुखों की कहानी, सुनेगा ना कोई तेरे दुखों की कहानी।
जावे तुमको अधर्मों ने घेरा, ना कुछ है तेरा बंदे ना कुछ है मेरा, ज्ञान पाले बंदे श्री चंद कहाँ गए
ये साधु संत हमें जगाने के लिए आए हैं, नींद से, अज्ञानता की नींद से। इन फकीरों को क्या लेना देना हमारे से, खाने को भी मिलता है, रहने को भी है उनके पास, लेकिन फिर भी विचरण करते हैं, जाते हैं, हम सबको जगाते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। आज हम सबके जागने का समय है, अज्ञानता की नींद से जागने का समय है। इसलिए भजनकार अंतिम कड़ी में कहते हैं, जागो जागो अब तो हो गया सवेरा, हो गया सवेरा, ना कुछ है तेरा, ना कुछ है मेरा, ज्ञान पाने मन से मिटाने अंधेरा, मिटाने अंधेरा, ना कुछ है तेरा मन से, ना कुछ है मेरा। प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव की जय।